उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ, हिमालय की सफेद चोटियाँ, झील, झरने और ताल, ये सभी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेकों प्राचीन मंदिर हैं और कई सारे धार्मिक स्थान भी। ये सभी चीजें देश और दुनिया से लोगों को यहाँ पर आकर्षित करती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के 40 प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों के बारे में। ये सभी स्थल एक से बढ़कर एक हैं। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने उत्तराखंड के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताया था, तो कुछ कमेंट आए थे जिनमें लोगों का कहना था कि कुछ पर्यटक स्थल छूट गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के 40 प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उत्तराखंड के 40 प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों के बारे में। तो इसमें आता है नैनीताल। झीलों की नगरी नैनीताल को भला कौन नहीं जानता। ये जगह अपने खूबसूरत मौसम और नैना झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक नैना झील में बोटिंग करने और सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए आते हैं। इसके बाद आता है भीमताल। नैनीताल से कुछ ही दूरी पर स्थित है भीमताल। ये भी नैनीताल की तरह ही एक खूबसूरत झील है। यहाँ पर कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटी और वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है नौकुचिया ताल। भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नौकुचिया ताल। ये झील अपने टेढ़े मेढ़े कोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ पर आप शांति से बोटिंग का मजा ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सात ताल। नैनीताल के आसपास वैसे तो कई झीलें हैं और उन्हीं में से एक है सात ताल। ये अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह भीड़ भाड़ से दूर एक शांत स्थान है। यहाँ पर बोटिंग का मजा लिया जा सकता है। इसके बाद आता है मसूरी। पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी भारत का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ गर्मियों और सर्दियों में भारी भीड़ आती है। यहाँ की पहाड़ी घाटियाँ और शांत स्थान हर किसी को पसंद आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून में कई झरने, गुफाएं और प्राकृतिक नज़ारे हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास कई सारे हिल स्टेशन भी हैं। इसके बाद आता है धनौल्टी। धनौल्टी मसूरी से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटा हिल स्टेशन है, लेकिन अपने शांत माहौल और खूबसूरत पहाड़ियों के कारण पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित करता है। इसके बाद आता है ऋषिकेश। योग नगरी ऋषिकेश धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। ये जगह योगा के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और साथ ही साथ चारधाम यात्रा के लिए ये पहला पड़ाव है। यहीं से होकर चारधाम यात्रा शुरू होती है, तो इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद आता है औली। उत्तराखंड का औली किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ हर साल सर्दियों में लोग बर्फबारी और स्कीइंग का मजा लेने के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बद्रीनाथ। भारत के चार धामों में से एक बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित एक तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है केदारनाथ। बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियों के बीच में स्थित है केदारनाथ धाम, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का एक प्रमुख धाम भी है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ये पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप जंगल सफारी करते हुए कई सारे जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हरिद्वार। हरिद्वार भारत का प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। इस जगह को भगवान शिव और भगवान विष्णु की भूमि भी कहा जाता है, और यहाँ गंगा स्नान के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है यमुनोत्री। उत्तराखंड का यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और यमुनोत्री उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गंगोत्री। गंगोत्री वो स्थान है जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है।
इसलिए यहाँ माँ गंगा का पवित्र मंदिर है और उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में गंगोत्री धाम भी शामिल है। इसके बाद आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हिमालय की पर्वतमाला में स्थित एक खूबसूरत शहर है। ये हिल स्टेशन ब्रिटिश काल से ही काफी प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी क्षेत्र का एक बड़ा शहर है और इसके आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी एक बेहद ही खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ स्थान है। यहाँ कई किस्म के फूल अपने आप ही उगते हैं। यहाँ जाने का सबसे सही समय जुलाई से सितंबर तक का होता है। इस समय आप यहाँ ब्रह्मकमल के नाम से प्रसिद्ध एक फूल होता है, उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर 2,286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ से हिमालय की सफेद पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यही कारण है यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रानीखेत। रानीखेत भी उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। कहते हैं कि पुराने समय में एक रानी को ये जगह बहुत पसंद आई थी और वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी, इसीलिए इस जगह का नाम उन्हीं के नाम पर रानीखेत पड़ा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है लैंसीडॉन। उत्तराखंड का लैंसीडॉन एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसका नाम एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर पड़ा था जिसने इस शहर को बसाया। गर्मियों में ये जगह बहुत ही सुकून देती है। यहाँ आप हिमालय दर्शन और बोटिंग का मजा ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है टिहरी। नई टिहरी के नाम से प्रसिद्ध टिहरी एक खूबसूरत स्थान है। यहाँ काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टिहरी डैम होने के कारण जिसमें होने वाले वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर है जोशीमठ। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जोशीमठ एक पवित्र स्थान है। कहते हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुओं के कई सारे प्राचीन मंदिर भी हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है राजाजी नेशनल पार्क। देहरादून से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजाजी नेशनल पार्क भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ लोग जंगल सफारी का मजा लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप कई सारे जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बागेश्वर। बागेश्वर एक धार्मिक स्थल है। यहाँ सरयू और गोमती नदी का संगम होता है। यहाँ का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है बागनाथ। इसके अलावा ये जगह एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है। इसके बाद आता है कौसानी। कौसानी भी एक छोटा हिल स्टेशन है। एक बार जब गांधी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ की खूबसूरती को देखकर इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये जगह प्राकृतिक रूप से बेहद ही खूबसूरत है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मुनस्यारी। मुनस्यारी उत्तराखंड का एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। ये जगह सर्दियों में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये जगह शांत और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ भारत का एक खूबसूरत शहर है। इसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसा ये शहर घूमने फिरने के लिहाज से काफी अच्छा है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पौड़ी। हिमालयी पहाड़ी पर बसा पौड़ी हिमालय दर्शन के लिए एक अच्छा स्थान है। यहाँ पर कई सारे मंदिर, गुफाएं और पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है चोपता। उत्तराखंड का एक छोटा सा हिल स्टेशन है चोपता, जो कि ट्रैकिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके आसपास ही प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर और बुग्याल भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रामगढ़। रामगढ़ नैनीताल जिले का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये जगह हिमालय दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जगह फलों के बागों के लिए भी जानी जाती है। इसके बाद आता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी केदारनाथ यात्रा का पड़ाव है और साथ ही साथ खूबसूरत पर्यटक स्थल भी। इस जगह का धार्मिक महत्व भी काशी की तरह ही है। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक छोटा शहर है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर भी हैं जिनके दर्शनों के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बिनसर। बिनसर अल्मोड़ा जिले में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी पर्यटक स्थल है। यहाँ से हिमालय की कई चोटियाँ दिखती हैं, जैसे कि केदारनाथ,
चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, ये सभी चोटियाँ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जगह बिनसर महादेव के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है चकराता। चकराता जौनसार क्षेत्र का एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और देहरादून से 98 किलोमीटर दूर है। प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है उत्तरकाशी। ऋषिकेश से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उत्तरकाशी और धार्मिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर भगवान विश्वनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ का मौसम हमेशा ही सुहाना बना रहता है और इसीलिए पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। इसके बाद आता है धारचूला। धारचूला पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा सा शहर है जो आधा भारत में और आधा नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर आप नेपाल और भारत दोनों देशों की संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती को देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा हुआ स्थान है। यहाँ पर इन दोनों नदियों का मिलन होता है और इनको संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान राम का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसके बाद आता है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में स्थित सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये जगह 7 पहाड़ियों से घिरी है और बीच में बर्फीली झील है। हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हरसिल। उत्तरकाशी जिले में स्थित हरसिल वैली एक बेहतरीन जगह है। सर्दियों में यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। यहाँ की सुंदरता के कारण ही यहाँ पर कुछ पुरानी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इसके बाद आता है चंपावत। चंपावत एक ऐसी जगह है जहाँ पर्यटकों को वो सब मिलता है जो वो एक पर्वतीय स्थल से चाहते हैं। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदी घाटियाँ हैं। ट्रैकिंग करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। तो ये हैं उत्तराखंड के वो 40 स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इन 40 स्थानों के अलावा भी उत्तराखंड में और कई स्थान हैं घूमने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 40 प्रसिद्ध स्थानों को ही शामिल किया है। इन सब की कंप्लीट डिटेल पाने के लिए आप हमारे चैनल के अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैं इनकी कंप्लीट डिटेल आपको दे दूंगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँचें, कितना खर्चा आएगा और यहाँ पे कब जाना सबसे सही रहता है। तो ये सब जानकारी आप उन वीडियोस में ले सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।